मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल अंतर जिला गिरोह के 4 शातिर तस्कर को 1 किलो 18 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। बुधवार को मामले की जानकारी देते हुए एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के अलग अलग थाना अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ की तस्करी और बिक्री पर नियंत्रण को लेकर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। टीम को गुप्त सूचना मिली कि नगर थाना क्षेत्र के दीवान रोड के समीप वैशाली जिले से 4 मादक तस्कर अवैध मादक पदार्थ डिलीवरी देने को इकट्ठा हुए हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम उक्त स्थान पर छापेमारी की, चारों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान 1 किलो 18 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। यह चारों वैशाली जिले के रहने वाले हैं। इन पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नगर क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ में लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हम लोग के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जो जगह जगह पर घूम घूम करके आसूचना संकलन करके जो भी व्यक्ति का सूचना मिलता है कि गांजा या इसमें क्या चरा सब और भी कोई मादक पदार्थ बेच रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई करके, और कई सारे पुराने लोग हैं जिनको जेल भेजा गया है और बहुत सी पहले से नंबर FIR का नंबर भी बढ़ा है। उसी क्रम में कल बनारस बैंक चौक पर नगर थाना क्षेत्र में 4 व्यक्तियों के वैशाली से गांजा लाने की सूचना थी। उसी सूचना का सत्यापन करने के बाद में टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा 4 व्यक्तियों को लगभग 1 किलो और 18 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया है। उन चारों व्यक्तियों का नाम है, एक है मुन्ना कुमार, एक है रंजन कुमार, चंदन कुमार और नीलेश कुमार। ये चारों रहने वाले वहीं के हैं, वैशाली के रहने वाले हैं और यहाँ पे आकर के अलग अलग जगह पर जितने भी लोग रिटेल में गांजा बेचते हैं उनको गांजा बेचने का इनका सूचना था, तो इनको FIR रजिस्टर करके जेल भेजा जाएगा और आगे भी नगर क्षेत्र में जितने भी लोग गांजा बेचते हैं उन सब पे कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी। हमारा सर्विलेंस लगातार जारी है और आप सब लोगों से भी हमारी यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके एरिया में अगर कोई भी व्यक्ति गांजा बेचता है या फिर कोई भी नशीला पदार्थ है, मादक पदार्थ बेचता है, उसकी सूचना हमारे सरकारी नंबर पे दें, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर के सरकारी नंबर पे दें और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा। कब से सर ये बेचता था, मतलब क्या कुछ पता चला? ये लोग, इन लोगों का एक बड़ा सिंडिकेट है जो काफ़ी टाइम से बेच रहा था और हम लोग की काफ़ी टाइम से नज़र भी थी, तो कल यही सूचना मिला था कि बड़ा क्वांटिटी आने वाला है, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने 1 किलो के आसपास पकड़ा है और उम्मीद है कि आगे भी इन लोगों का जो सिंडिकेट के बाकी लोगों को पकड़ा, पहले भी जेल ये लोग जा चुके हैं और ये चीज़ का सत्यापन अभी करवाया जा रहा है क्योंकि वैशाली के लोग हैं, तो यहाँ से ये लोग अभी जेल नहीं गए, वैशाली से सत्यापन। लोकल जुड़ाव सर कोई मिला है क्या? लोकल जुड़ाव लोकल में अभी 2-3 लोगों का नाम आया है, तो वही जब उनकी अरेस्टिंग होगी उसके बाद में चीज़ें क्लियर होगी।